Hello and assalamu alaikum. This is me Sadiq Akbar, TEFL Intersol certified trainer and career counselor, and you are watching my YouTube channel English with Sadiq. Today once again we are going to discuss a very important topic jo hai item presentation, ki hum kisi cheez ko kis tarah present karenge. For example, koi hame kahe ki aap is cheez ko le lo, ise present karo, to hame andaaza nahi hota ki hum isko present kis tarah kare. Hum naam to batate hai aur iska usage batate hai, bas khatam kar dete. Presentation or item presentation jo hai, it is actually a kind of a sequence of stages or phases which you have to tell and present it. Or aap ye bhi keh sakte hai ki it is a kind of a process ki aap pehle start karenge, phir middle pe aayenge, phir end karenge, right? So item presentation hum kis tarah karenge aur ye English improve karne ke liye kitna mufeed hai, so we are going to discuss that today in this particular lesson. Our topic is item presentation, or item presentation mein it's a kind of a स्पाइडर डायग्राम. और इस स्पाइडर डायग्राम के मदद से आप जो है एक आइटम को, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. सो आइटम का नाम होगा यहाँ पे जो भी हो आइटम. फॉर एग्जांपल चेयर है, मार्कर है, कंप्यूटर माउस है, स्टैंड है, सेल फोन है, जो भी चीज़ हो आपकी यूसेज का और वो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस आइटम को आप यहाँ पर लिखेंगे इस मिडल में. और फिर देर आर एरोज, एक्चुअली जो एरोज जो है वो डिफरेंट फेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है जो आप बताते हो. सो द फर्स्ट इज नेम, आप आइटम का नेम बताएंगे. और फॉर एग्जांपल इसका फुल नेम और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. और इसका फॉर एग्जांपल अगर इस तरह है, फुल नेम एक जैसा डिफरेंट है और क्लिप नेम जो है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन से लिया गया एक फर्स्ट पोर्शन ऑफ वर्ड है. तो एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन, सिमिलरली आप नेम बताएंगे कि फुल नेम इसका क्या है और इसका शॉर्ट नेम जो है एब्रीविएटेड नेम क्या है. देन वी हैव टाइप्स, इसके कितने अकसाम है, कितने टाइप्स है इस आइटम का, तो आप स्टेज सेकेंडली आप यही चीज़ बताएंगे. देन अबाउट द कलर, के व्हाट कलर इट कम्स इन, लाइक इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स. आप कह सकते हैं कि इट कम्स इन ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, और ये आइटम जो है इसका कलर ब्राउन है या जो भी हो. देन शेप, इसका जो शक्ल है, शेप है, ये किस तरह है, ट्राइंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, जो भी इसका शेप हो फिर वो आप बताएंगे. देन अबाउट साइज, के इसका साइज़ क्या है, इट्स बिग इन साइज, इट्स स्मॉल इन साइज, इट्स मीडियम इन साइज. ओके, आप साइज भी बता सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, लेकिन ये आइटम जो है इसका मीडियम साइज है इस, और बाकी जो आइटम्स है उसके स्मॉल साइजेस में भी आते हैं और बिग साइजेस में भी आते हैं. देन अबाउट क्वालिटी, के इसका क्वालिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये अच्छी क्वालिटी का है या नॉर्मल क्वालिटी का है या बेकार क्वालिटी है, इसकी अच्छी क्वालिटी है ही नहीं. देन अबाउट द पार्ट्स, के इसके कितने पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को ले लूँ, से इट हैज़ टू मेजर पार्ट्स. वन इज़ दिस मेन पार्ट जिसमें इंक है और निब है, एंड द अदर इज़ अ कैप. ओके, एंड वी क्लोज इट लाइक दिस. सो आप ये कह सकते कि इसके कितने पार्ट्स हैं. फिर इसके इस्तेमाल क्या है, यूसेज क्या है, हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल ये लिखने के लिए अगर ये मार्कर इस्तेमाल होता है वाइट बोर्ड पे, टीचर्स जो है वो एक्सप्लेनेशन देते हैं वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट्स को, तो इसका यूसेज है. देन ओपिनियन, आप पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इससे हम ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं. सो यू कैन pass your comments on this particular item. So this is item presentation method, ke hum naam batayenge, types batayenge, colors batayenge, shape, size, क्वालिटी, इसके पार्ट्स बताएंगे, यूसेज और ओपिनियन. और एंड में जो है हम ओपिनियन देंगे कि ये चीज़ हमारे लिए या लिखने के लिए या कितना मुफीद है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं. सो इन टुडेज लेसन वी हैव डिस्कस्ड के आइटम प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ये इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कितना अहम. फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो की